phone and looking at them, and booted up. चोरी की घटना हुई थी अपने सेक्टर 16-17 में। जो वैल्यू थी चोरी की वो काफ़ी ज़्यादा थी। एज़ पर कंटेंट्स ऑफ FIR 32 लाख और 15 तोले सोना चोरी हुआ था। आज हमने जो हमारा अभियुक्त है उसको राउंड अप कर लिया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी रिकवरी भी इससे अच्छी खासी हो गई है। और अभी राउंड अप किया है, बाकी डिटेल्स हम इसकी अभी तो इंटेरोगेशन वगैरह के बाद पता चलेगी, बट ये काफ़ी बढ़िया उपलब्धि है हमारे लिए, स्पेशली हमारी जो CIE 1 की जो टीम है पूरी, इसमें जो इंचार्ज है इंस्पेक्टर प्रहलाद, उसके बाद PSI संदीप, ASI सुरेंद्र, ESI फूल कुमार, ASI सुभाष, ESI धर्मपाल, EHC ईश्वर, EHC शमशेर और HC बलदेव, ये लोग मेन रहे हैं जो जिन्होंने अपनी जगह जगह, जो मैंने बताया था कि हमारी इतनी टीम्स बनी हुई है, 5-6 हमारी टीम्स बनी हुई थी, वो इनकी फ़ोटो लेके और इनकी जो वीडियो CCTV फुटेज से थी वो जगह जगह घूमी है पूरे हिसार में रात दिन। उसके बाद जबकि लोगों ने इन्हें पहचाना है, उसके बाद कड़ी से कड़ी जुटती गई एंड देन हमने राउंड अप किया। तो डोर टू डोर अभियान चला है, बहुत हमारी टीम ने मेहनत की है इसमें और हर जगह घूम के आइडेंटिफाई किया गया। उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो जहाँ ये इतना अच्छा काम करते हैं तो हमें इनको सोशल में अप्रिशिएट कराना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, यू आर फीलिंग अ हैप्पी मैन टुडे, आपका जितना भी मतलब नहीं, आई एम ओवरऑल ए हैप्पी मैन, लेकिन हमें तो ये कहना है कि दी वर्क डन दे हैव डन इट वॉज रिमार्केबल, और इन्हें अप्रिशिएट कराना चाहिए, एंड वी विल ट्राई टू ऑनर देम ऑल ऑफ देम। वुड यू लाइक टू ब्रीफ द केस, क्या केस था थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दीजिए। केस ये था कि हमारा मेडिसिटी हॉस्पिटल है, मेरी सर्जन वहाँ पे, मैं और मेरी मैडम होते हैं, यूजली 11 बजे हम लोग घर छोड़ देते हैं अपना, मैं तो 10 बजे अपने हॉस्पिटल जाता हूँ और मैडम 6 बजे शाम में जाती हैं, तो घर यूजली हमारा खाली होता रहता है 11 से लेकर 6 तक। इस बीच में ये लोग हमारे घर के अंदर किए, 1.5 घंटा हमारे बेक ऑफ, तो और घर का दरवाज़ा तोड़ के जहाँ हमारा सामान होता है वहाँ से उन्होंने सारा कैश एंड जोले देव टेकन आउट। फिर पुलिस महकमे की टीम आई उस रात ही, सारे लोग जितने CIE के सारे मेम्बर्स हैं, मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन सभी ने पूरा दिन रात एक करके सारी CCTV फुटेज निकाली, इनके फेस कंस्ट्रक्शन किए, क्योंकि इनके पास हमारा कोई क्लू नहीं था, ना ही हम इन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ना ही हमारा कोई स्टाफ आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कौन से बंदे हैं। उनको इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करा और पूरे 24 घंटे के अंदर देखिए टेस्ट करके एंड ऑलमोस्ट 100% रिकवरी दी हमने, तो वी अप्रिशिएट देम एंड अप्रिशिएट। और मैं ये चाहूँगा मैं अपनी तरफ से भी और आप सभी की तरफ से भी इनको एक पब्लिक ऑनर करें, सो दैट दे रिपीट दिस जॉब अगेन एंड अगेन। नो, यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन? 100%, मोर देन 100%, बिकॉज दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड सो फास्ट। एनी काइंड ऑफ मैसेज यू हैव टू डिलीवर टू द ऑडियंस? यस, यही बता रहा हूँ कि हमें जैसे जो भी पब्लिक के अंदर क्या रहता है टेंडेंसी कि हम हमेशा गालियाँ देते हैं पुलिस को, कहीं कुछ हो गया भाई पुलिस ने ये नहीं करा, चोर होकर नहीं करा, ये नहीं करी, लेकिन हमें हमेशा जब कोई भी अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट करें, है ना। नेगेटिविटी ऑलवेज एक्सप्रेस, नेगेटिव खबरें बहुत तेज़ी फैलती है, वहाँ चोरी हो गया, वहाँ डकैती हो गया, वहीं हो गया, लेकिन अगर कोई अच्छे काम होते हैं, चाहे हम एक डॉक्टर भी करते हैं उसको भी अप्रिशिएट करें कि जी अच्छा काम हुआ, और अगर पुलिस ने करा तो उसको और भी अप्रिशिएट करें, आम आदमी इनके प्रति सिंपैथी करें। होता क्या, देखिए जहाँ कहीं मास पर ये होते हैं प्रदर्शन होता है, आम पब्लिक पुलिस को पत्थरबाजी करती है, हम इनको अपना विरोधी मानते हैं, जबकि जब भी जरूरत होती है हमें, हमने जैसे 112 में कॉल करा एंड दे रीच्ड विद इन 5 मिनट, तो दैट रैपिड काइंड ऑफ थिंग दे डू, तो हमें इनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और पब्लिक में मैसेज देना चाहिए कि ऑलवेज अप्रिशिएट दी पर्सन जो हमें हेल्प के लिए हमें सटिया होते हैं, क्योंकि इनके अलावा मुसीबत कोई खड़ा नहीं होता, कहीं कोई मुसीबत हो मारपीट हो केवल यही लोग आते हैं जो हमें बचाते हैं, लेकिन गालियाँ हम ही पहले इनको देते हैं। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि आम पब्लिक, जैसे कल भी क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे ट्रेंडिंग डाउन, सब लोग क्या दे रहे थे कि भाई ये हाई प्रोफाइल मामला है, सभी आ रहे हैं, क्या ऐसा गरीबों के साथ होता है, ऐसा नहीं है, सभी चीज़ होता है, हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आई एम डॉक्टर आर कुमार, न्यूरोसर्जन एंड डायरेक्टर मेडिसिटी हॉस्पिटल के साथ।